हाय गाइस, तो अभी हमारा शुरू हो गया है विंटर का सीज़न। तो विंटर किस किस का पसंद है कमेंट कर देना। तो इसलिए हम बनाएंगे चिकन का सूप। तो पहले लेना है आपको चिकन, आप जितना चाहते हो उतना ले सकते हो। तो मैं देखो ऐसे 7-8 पीस ले रही हूँ। तो मैंने 2 कप के बराबर पानी डाला है और उसी को लो से मीडियम फ्लेम पर मैंने बॉइलिंग करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा बस नमक देकर, और कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं। जब तक ये बॉइलिंग होता है तब तक चलो हम हमारा जो कैरेट वगैरह है उसी को पहले हम कटिंग कर देंगे। और इसी को बस ये देखो लगभग हो गया है हमारा 10 से 15 मिनट ऐसे कुछ हो गया है। और ये देखो मैंने कट के भी रखा था। तो अभी देखो मैं ये डालूँ, फिर उसी के बाद थोड़ा सा हरी मिर्च भी मैंने डाल लिया है। गाजर, हरी मिर्च, रेड मिर्च जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालना। डालने के बाद ना ये जो एग है ना, एग बहुत ही मस्त काम करता है चिकन सूप का, और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे आपको टेस्टी लगता है। तो एक एग ले लेना। आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो 2-3 एग ले सकते हो, नहीं तो आपके पास एग अवेलेबल नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। फिर उसी के बाद हम डाल लेंगे हमारा लहसुन, अदरक दोनों छोटे छोटे पीस करके, फिर सोया सॉस, थोड़ा सा लेमन, और हमारा जो रेड चिली सॉस है वो डाल देना, और थोड़ा सा नमक डालना। डालने के बाद ना हमारा जो एग डाला हमने अच्छे से सारे को मिक्स कर देना है आपको। देखो एग नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर कॉर्नफ्लोर ले लेना। कॉर्नफ्लोर लेने के बाद ना उसी को ऐसे 1/2 कप पानी के मदद से घोल लेना है। घोलने के बाद ना उसी को डालना, वो बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। आप एग डालते हो तो बहुत ही कम लेना, और एग नहीं डालते हो तो गाढ़ा होने के लिए थोड़ा ज़्यादा कॉर्नफ्लोर का बढ़ा सकते हो। और ये देखो मैंने थोड़ी सी बस 1-2 ड्रॉप बस लेमन ऐड कर रही हूँ, लेमन जूस, जो कि बहुत ही खट्टा सा खट्टापन लगेगा, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और लास्ट में मेन इंग्रेडिएंट है हमारा ब्लैक पेपर, और हम आयन में ऐड करेंगे चाट मसाला, जो कि बहुत ही यम्मी और स्पाइसी भी है, और मुझे तो स्पाइसी खाना बहुत ही पसंद है। खटा खटा लगेगा तो विंटर का सीज़न डबल ट्रिपल भी हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा मेरी वीडियो? विंटर सीज़न चल रहा है, अभी शुरू हो गया है, ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कर। और मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बता देना। और सबको थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए और कमेंट करने के लिए। और इसी तरह न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ बने रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।